नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। उत्तर प्रदेश के बरेली थाना बिथरी जैनपुर के गांव चंदपुर बिचपुरी में बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा बड़ी संख्या में मकान तोड़े जाने के विरोध में आज किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम चिस्ती किन्नर अपने किन्नरों और पीड़ितों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई। उन्होंने BCBDA की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, इन गरीबों के मकान तोड़े गए हैं, उनको बेघर किया गया है और एक हमारी किन्नर हिना किन्नर का आश्रम भी तोड़ा गया है। मैं उसका विरोध करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त फरमान है कि किसी भी गरीब को बेघर न किया जाए, उसके मकान को न तोड़ा जाए, लेकिन उसके बाद भी किन्नर समाज के साथ साथ गरीबों के मकान भी तोड़े जा रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठे कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम के बैठने से प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी, ADM प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडे, SSP रोहित सिंह सजवाड़, CO प्रथम श्वेता यादव, इंस्पेक्टर कोतवाली हिमांशु निगम समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने सोनम चिस्ती किन्नर को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। जिलाधिकारी ने BCBDO जोगिंदर सिंह को तत्काल कार्यालय पर बुलाया और मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सर्किट हाउस में बैठकर बातचीत की जाएगी, लेकिन सोनम किन्नर ने उनकी एक ना सुनी और जोगिंदर सिंह को यहीं धरना स्थल पर बुलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जोगिंदर सिंह अहंकारी है, मुख्यमंत्री के भी आदेश का पालन नहीं कर रहा है और गरीबों को बेघर कर रहा है। किन्नरों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए। मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया का धन्यवाद देती हूं। हमारे किन्नर समाज का बरेली में मकान है, 50 साल से लगभग 25 सालों से रह रहे हैं और हमारे गुरुजी के शिष्या हैं हमारी हिना किन्नर जी। और मैं अभी उत्तर प्रदेश अभी तक मैं पद पे हूँ किन्नर कल्याण बोर्ड का, भले मेरा पद चले भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं, मैं समाज सोशल वर्कर हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए हुए जिम्मेदारी को निर्वाहन करते हुए मेरे जीवन पे मैं 40 साल की हो गई, आज तक भी मेरे खिलाफ 151 का भी मुकदमा नहीं है और ना मेरा बेटा है ना बेटी। हम किन्नर समाज का परिवार, समाज ही हम लोग का परिवार है। हम लोग बधाई मांग के अपना जीवन यापन करते हैं, बच्चे शादी होते हैं, नेग लेकर धूप में गलियों में घूमते हैं, माँ बहन से बधाई लेके। किसी तरह से हमारे किन्नर समाज ने एक अपना एक मकान बनाए, आश्रम बनाए, आप लोग के बरेली की जनता के नेक चार्क से दिए हुए। किन्नर नाराज भी हो जाते तो भी मेरी माँ बहन उनको मना के खुश करके भेजती हैं। और क्या मामला है आज हमारे जिला अधिकारी जी के कहने से मैं किन्नर कल्याण बोर्ड के मीटिंग में आई थी। हमारे जिला अधिकारी जी ने हमें आश्वासन दिए थे, हम BC साहब से मिलने भी गए, उन्होंने बोले कितने का मकान बना, क्या बना, तो भैया जो बनेगा आज की महंगाई में तो हम बताएंगे ही। तो उन्होंने बोले हम मकान दे देंगे, कभी कह रहे सब को उधर कर देंगे, कभी कह रहे ये सीमेंट दे देंगे, कभी कह रहे ये दे देंगे, कभी वो दे देंगे। तो हमारे वहाँ पे कम से कम 4-5 हज़ार घर नहीं तो 2-3 हज़ार घर हैं, गरीब दलित किसान दबे कुचले लोग, वो लोग वहाँ पे रह रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये भी कहे हैं जो किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी गरीब को उजाड़ के किसी भी प्रकार से उनका कष्ट न देना चाहिए। एक स्वयं माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर जी का योजना है और इस तरीके से यहाँ के जो BC साहब हैं जोगिंदर जी, तो उनके जो है कार्यकलाप से हम लोग बहुत आहत हुए। हम लोग कानून प्रक्रिया से, संवैधानिक मौलिक अधिकार से, प्रोटेक्ट हमारा राइट है। हम गांधीवादी तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत पे चलते हुए मैं यहाँ पे अपने धरने पे बैठी हूँ और प्रशासन चाहे हमें जेल ले जाए, चाहे हमारे पे जो भी कार्रवाई करें, हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को संरक्षण के लिए सभी राज्य सरकारों को आदेश दिए हैं, जो किन्नर समाज किसी यही बोले हैं आपको जो करना है कर लीजिए, जहां जाना है जाइए और मैं अपना काम करूंगा। और ये वो हमारे ऊपर जो है हमने मुख्यमंत्री जी को बता दिए हैं, तो ये थोड़ी बताएं जो वहाँ गरीब दलित रिक्शे वाले ठेले वाले सब्जी बेचने वाले इस भरी धूप में कमा कमा के किस तरह से अपना मकान बनाए हैं, ये बात मुख्यमंत्री जी को नहीं बताएं, ये बात तो शासन बताएंगे। तो हमारे यही आप लोगों से मांग है, इन गरीबों के साथ अत्याचार ना हो,
प्रशासन इनका व्यवस्था करे, इन लोगों को इनका हक दे, इनका आशियाना दे। और हमारे जो किन्नर हिना जी हैं, हमारी गुरु जी बैठी हैं, हमारे किन्नर समाज का मकान के साथ व्यवस्था करे सरकार। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।